लालकुआ से है, जहां गोला खनन संघर्ष समिति का संघर्ष 91 दिनों बाद समाप्त हुआ। आखिरकार स्टोन क्रशर वाहन में रेट को लेकर बनी सहमति, साथ ही तहसीलदार ने धरना प्रदर्शन को समाप्त किया। गौरतलब है कि वह 7 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन प्रारंभ किया था, जिसके बाद सरकार और प्रशासन के साथ हुई वार्ता के बाद कई मुद्दों पर संघर्ष समिति की मांगों को माना जा चुका है। सरकार ने रॉयल्टी की दर कम करते हुए वाहन की मांगों को मानते हुए रॉयल्टी के दर कम की है। वहीं वाहनों के फिटनेस और अन्य मुद्दों को लेकर भी वार्ता कर समझौता हो गया है। लालकुआ से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। रूपरेखा थी, जो इनकी इच्छा थी कि 33 रुपए के हिसाब से इनको रेट मिले, तो जितने भी गोला के सामने जितने भी स्टोन क्रेशर है उनका रेट तो हो चुका है कि वहां से 33 रुपए के हिसाब से मिलेगा, और जो गोला से दूर दराज वाले हैं उनको उसी हिसाब के रेट मिलेगा। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। हम सभी प्रदेश संगठन हो गया और हमारे ब्लॉक संगठन हो गया, सबने इसमें बहुत सहयोग दिया है। आज 91 दिन हो गया हमारे जो है जो 7 सूत्री मांगों को लेकर एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारा रहा 91 दिन का, और हमने आज सब मांगे पूरी होगी हमारी। आज हम 100% जीत के साथ हमने आज अपना आंदोलन खत्म कर